हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वीट कपल अर्पितानिया। सबाई के गुड इवनिंग। इवनिंग थे एक बेसि गेरा चा खाची एन प्राय 8:30 बजे। इवनिंग थे एक बसि रत हो ठीक है, तबु हमें इवनिंग ही बोलम। और हमारे चैने सबा के स्वागत, अनेक सबा के स्वागत जानिए, सबा के भलोबासा जानिए ब्लगटी शुरू कर। आज के शुरू कर लम पुरो सन्धे बलार चा खावर टाइम थे, तो चा दिए मोटामुटी चा खाई वो बिस्कुट टोस्ट वो दिए चा खावा हे। और आज के रान्नार भिडियो खूब एक शेयर करनी मैंने बेलार दिखे, तर कारण हे मैं सरकम रान्नाबान्ना सरकम एक नर्माली छो जर सरकम प्रथम दिखे मैं दिन बेला रान्नाबान्ना तुम्हारा कि शेयर करनी जार जो। और दादा चा खेते खेते एस बार बार कस्टमर आसते तो दोकान खोला, तो जार जो दादा बार बार चा खेते एस चले जा बार। आसो चाटा खे जाओ, जे एस ना एक दाड़ाते बो तुम्हें खे नाओ, तपे ना एक दाड़ा 2 मिनट लागे बसिक्षण लागे ना। तो दादा बोलते ना थक हमें दिए आसि कत दाड़े, तो ठीक है। तो आसार समय दादा के बोलते झुड़ी बेचा नहीं आसते, तुम्हारा तो जो हमारे झुड़ी बेचाटा खेते खूब भल लागे, तो झुड़ी विशेषकर चा दिए खेते और बसि भल लागे। तो झुड़ी बेचाटा खाची, दादाओ एक खाचल और वही दादा बोलो जो झड़ हमें दोकान कपड़ो दोकान हठात कर एक शुए आज के एक घूमिए हल्का अल्प एकटू, तो जार जो उठे देखी कपड़े दोकान बंद। एबारे कि हलो बेपारी कपड़े दोकान तो बंद करे ना कि हलो। तक दादा बोलो जो मजखने ना खूब झड़ उठे ओ तई टेर पाय तो मानी एकटूखानी मैंने आवाज़ फावज झड़फड़ हम मैं एक आवाज़ हम टेर पाई, क्योंकि एकटूखानी घूमिए मध्य मैं बसि ना आध घंटा पौने एक घंटा घूमिए तई झड़ हो टेर पाय। दादा बोलो वोज दोकान बंद कर दिए झड़े कोथा जामा कपड़ा पर उड़िए नहीं जाए से ही दोकान बंद कर झड़ो थेमे गेप झड़ मैं हावा थेमे बिस्टी हो तो एमनी बिस्टी हो सकाल खूब बिस्टी हो दुपुरे खूब बिस्टी हो मैं खूब बिस्टी होमनी। तो देखो एखे चा फा खावा दावा गए दोकानदारी को टोरे एकदम दोकान टोकान कम मैंने दोकानदारी कमप्लीट कर दोकान बंद फंद कर मैं दादा बंद कर दोकान इसे हाथ मुख धुए एक टेस्ट पेस्ट नहीं। तो हमें एखे रात खावर खेते चले आज के हे एखे बोलो तुम्हारे सरकम कि रान्ना करनी बोले तई रान्नाट शेयर करी डिम दिए पटल दिए रान्ना करेक्टा जिस दुपुर बेला से आगे दिन दादा वो खयरा माछ है छोटो छोटो वो खयरा माछ नहीं तो खयरा माछ ना बेगुन दिए आलू दिए झोल कर आगे दिन शरीर एक खराब छो वो एक तरकारी कर माछटा दादा एक बेसि नहीं तई माछ छो दुपुर बेला वही तरकारीटा ना मैंने खावा हो गए बेगुन दिए माछ झोलटा खावा हो गए। तो से तरकारी रान्ना कर रेखे जानी रात अब्दि है ना माछेर तरकारीटा से पटल और डिमटा रान्ना कर रेखे तो दिए एखन खावा हे देखल पटल मध्य डिम दिए दिले ओटा भालो हबे दादा मेखे और डिम दिए खुटे खुटे खेते पारबे। डिम तो होले दादार आर कोनो कथाई नहीं, डिम दादा खेते खूब भालोई बासे। तो लाल लाल होयेछे तो एक्चुअलि डिमटा आमि सिद्ध करे भेजे नियेछि लाल लाल करे और आगे झोले दी पर दिए लाल लाल बेपार आए। तो लाल लाल बेपार देखे दादा खाली बो हेवी लगे डिमटा देखते हेवी लगे और खावर का खूब टेस्ट हो ना रान्नाट खूब सत्य भलो निजे को निजे बो भावते पर भलो तई तैना। तो दादा के बोलोम ना जो पटल जो दानागुलो है तो पटल दानागुलो मैं दादा के पटल बेसि दिए नहीं मुखे दाना पड़े ना क्या तई दादार पर ना पटल भात पटल दाना खुजे नहीं खाचल तक दादा मैं जिसमें तुम्हें कखो पाका पटल भाजा खेच हाँ खेती क्योंकि अनेक बचर आर खावा है ना। तपर जे पुशाकर दानागुलो है सेगुलो हाँ भाजा खेते खूब भलो लागे क्योंकि एखो आ खावा है ना बट सेगल खावर आलदाई टेस्ट। तो सेटाई दादा बोल हाँ खाव ना क्या सब ही खेल एख खावा एक्चुअलि मैं अनेक क्जे मध्य फेसे गे तो जार जो और इसे है ना मैं कोकम रान्नाबान्ना कर खावा दावा है। और तुम्हारा तो जो जो मोटामुटी चाप तो एके कम नए वीडियो करा एडिट करा अने के जिज्ञास करा कि रे तोरा तो देरी कर खास कैन हाँ तो देरी कर घुमास कैन एबारे नर्माली अनेक काकीमारा जिज्ञासा कर
নর্মালি এমনি জিজ্ঞাসা করে, তো আমরা বলি যে এই ব্যাপার, এখন তো অনেক কাজ, ভিডিও ফিডিও করতে হয়, এডিট করতে হয়। এবার দেখো অ্যাকচুয়ালি যারা যে কাজের সঙ্গে যুক্ত না, তারাই কিন্তু সেই কাজের ইসেটা বুঝবে, তাই না? অন্য অন্যেরা কি বলতো, বুঝলে অতটা বুঝবে না, যারা এই ব্লগের সাথে যুক্ত আছে, যারা চ্যানেল আছে, যাদের ভিডিও করে এডিট করতে পারতে হয়, টাইমে টাইম বেটাইমের কথাটা তারা একমাত্র বুঝতে পারবে, তাই না বলো? অন্যরা বুঝলেও ঠিক অতটা বুঝবে না। যারা যে কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তারা সেই কাজটা সম্পর্কে জানে যে না, এই কাজটায় কতটুকু কী করতে হয়, কতটুকু সময় দিতে হয়, কতটুকু ধৈর্য দিতে হয়, এগুলো তারাই অ্যাকচুয়ালি বলতে পারবে। তো এই আর কি, তো যতটুকু যাকে বলা ততটুকুই বলা, মানে বলাটা উচিত আমি মনে করি, তার থেকে বেশি বলা উচিত না, তাই না? তো এ মানে বেশি বললে আবার প্রবলেম, অল্প বলাই ভালো। তো যাই হোক, দাদার খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট। আর তোমরা তো জানো দাদা আগেই খাওয়া দাওয়া হয়ে যায়, পটপট করে দাদা খেয়ে নেয় একদম পুরো, এত স্পিডে খাবে মনে হয় যেন ট্রেন ধরবে, এমনভাবে দাদা খাবারটা খায়। আমি বলি তুমি কি ট্রেন ধরবে, এত তাড়াতাড়ি তুমি খাবারটা খাও? ওটাই বলছিলাম। দাদা বলে যে আমি তাড়াতাড়ি খাই খাই সেটা আমার ব্যাপার, তুমি আস্তে আস্তে খাও বলে কি আমি কিছু বলি? তাহলে আমি তাড়াতাড়ি খাই, তোমার এত প্রবলেম কেন? নিজের খাওয়ার নিজে খাও, আমার দিকে কম তাকাও, ঠিক আছে? দাদা এই কথাটা আমায় বললো। আমি বলছি ও আচ্ছা বুঝলাম। অনেক সময় কি খাওয়া জিনিসটা আমি মনে করি একটু আস্তে আস্তে খাওয়াই ভালো, তাই না? একটু চিবিয়ে চিবিয়ে খাওয়া ভালো, গলায় ফলায় বেঁধে যেতে পারে, তাড়াহুড়ো করে খেলে তখন গলায় বেঁধে যায়, তাই না? তো সেই জন্য বলি, কিন্তু দাদা শোনে না, অ্যাকচুয়ালি যার যেটা অভ্যেস, তাই না? আমার যেমন একটু আস্তে আস্তে খাওয়ার অভ্যেস, একটু কথা বলতে বলতে, গল্প করতে করতে, বা কখনো ফোন দেখতে দেখতে, তো দাদারও এটা অভ্যেস। তো যাই হোক, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো। টাটা, গুড নাইট।